हेलो इंजीनियर्स, दिस ओवर शांति। तो आज आपके लाए हैं एक पाम टॉप, मतलब ये आप कंप्यूटर भी बोल सकते हैं या लैपटॉप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आप हाथों पे लेके भी चला सकते हैं, अपने पैरों पे लेके भी आप इसको चला सकते हैं, या फिर आप टेबल पे रख के भी आप इसको चला सकते हैं। तो ये एक्चुअली में विंडोज का एक लैपटॉप है और इसको आप आसानी से घर पे इसको असेंबल कर सकते हैं। मतलब ये एक्चुअली में डिस्प्ले और बॉक्स की तरह आएगा और आप इसके अंदर रेस्पबेरी पाई को इंस्टॉल करके आप इसको आसानी से इस पर विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी विंडोज आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से इसको चला सकते हैं, जैसे कि आप टास्किंग करके भी इसको चला सकते हैं या फिर कीबोर्ड वगैरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक गैजेट है। इस पर यूएसबी है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसबी, तीन यूएसबी इस पर ऑलरेडी है, नेटवर्क केबल है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है और इस पर एचडीएमआई केबल भी है और इसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर भी है। तो इसके जरिए हम लोग बहुत कुछ चला सकते हैं, बहुत कुछ का जो कि काम कर सकते हैं, अपने ऑफिस का भी काम कर सकते हैं और बैटरी बैकअप भी अच्छा है। तो अभी चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है sunfounder.com। यहाँ पे आप जाके बहुत ही अच्छा अच्छा गैजेट आप इस पर से खरीद सकते हैं और इस पर रोबोटिक्स का बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है। आप वहां पे जाके बहुत सारे रोबोटिक्स किट आप इस पे खरीद सकते हैं और बहुत ही कम रेट पे बहुत सारी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। देखा है किस प्रकार से असेंबलिंग कर सकते हैं और अभी हम लोग इस पर सॉफ्टवेयर डालेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर इस पर विंडोज डालेंगे। तो विंडोज किस प्रकार से हम लोग इस पर डाल सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर पे जाना होगा। तो चलिए कंप्यूटर पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे, कोई भी एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। करने के बाद रेस्पबेरी का जो अपना खुद का वेबसाइट है इस पर जाएंगे, raspberry.org। इस पर जाके सॉफ्टवेयर में जाके डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे। करने के बाद इसको हम लोग सिर्फ इंस्टॉल कर देंगे। तो ये क्लिक करके हम लोग इंस्टॉल करने के बाद अभी देखिए ये नेक्स्ट आ गया है। तो नेक्स्ट करके सिर्फ इंस्टॉल करना है हम लोगों को। तो अभी फिनिश कर देंगे और ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अभी देखिए ओपन हो गया है। तो हम लोग सबसे पहले इस पर देखिए रेस्पबेरी का अपना खुद का जो विंडोज है उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। चूज करके हम लोग डिवाइस सिलेक्ट करेंगे, मतलब मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड सबसे पहले हम लोगों को डालना होगा।
तो मेमोरी कार्ड इसमें डाल दिया, अभी चूज करेंगे तो देखिए मेमोरी कार्ड इसमें आ गया है। तो इसमें क्लिक करके हम लोग राइट पे क्लिक करेंगे, तो इस पर यस कर देंगे, तो इसमें बोल रहा है इस पर हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो राइट करने के बाद ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा। होने के बाद हम लोगों को इसको खोल के डायरेक्ट इस पर फिट कर देना है। तो अभी फिलहाल ये कंप्लीट हो गया है, तो इस पर मैंने एक मेमोरी कार्ड लगाया है जो कि 32 GB का होगा। आप चाहे तो 16 GB भी लगा सकते हैं, वो अपने ऑपरेटिंग के हिसाब से आप लगाएंगे, आप कौन सा ऑपरेटिंग करेंगे इस पर और कौन सा ऑपरेटिंग चलाएंगे। तो अभी मैं इसको ओपन करूंगा, तो इस पर मैंने अभी रेस्पबेरी पाई इंस्टॉल किया है। अगर विंडोज किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं अगर देखना है तो मेरा पिछला एक वीडियो है, उस पर जाके आप देख सकते हैं किस प्रकार से रेस्पबेरी पाई पे विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी इसको ऑन करेंगे, तो साइड पे इसका ऑन बटन है, तो प्रेस करके दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ऑन अभी हो गया है। तो इसका चार्जर अलग से है, मैंने इस पर चार्ज दे दिया है ऑलरेडी, तो ये फुल चार्ज है अभी। तो इसको हम लोग चलाएंगे, तो चलने के बाद ये करीबन एक घंटा दो घंटा आप आसानी से चला सकते हैं। तो अभी देखिए ये ऑन हो रहा है। तो अभी ये ऑन हो गया है। तो इसका कीबोर्ड भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ से कीबोर्ड भी कंट्रोल करके आप इसको चला सकते हैं, या फिर माउस से भी कर सकते हैं। तो माउस से देखिए मैं जब भी इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली में काम कर रहे हैं। और अगर आप चाहे तो माउस का बिना भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल्ली टच स्क्रीन है। तो मैं अभी दिखाता हूँ, टच करेंगे तो ये आसानी से काम करेगा, देखा आपने। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप इसके मदद से जो कि इंटरनेट कर सकते हैं वाईफाई को ऑन करके, क्योंकि रेस्पबेरी पाई में ऑलरेडी वाईफाई ब्लूटूथ इसमें ऑलरेडी है। तो कोई भी टच करके आप किसी भी चीज को आप चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पर टच किया है, तो देखिए ये ओपन हो गया है। तो इसको क्लोज कर देंगे। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी काम कर सकते हैं, टच के हिसाब से कर सकते हैं या फिर माउस के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो कीबोर्ड के जरिए आप टाइप करेंगे या फिर इस पर कीबोर्ड लाके आप इस पर टाइप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एक जो कि लैपटॉप है, आप इसको लैपटॉप भी बोल सकते हैं या पाम टॉप भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ पे भी ये लेके आप काम कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक कंप्यूटर हम लोग बना सकते हैं अपने घर पे, और इसको टच स्क्रीन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।